नमस्कार दोस्तों, मस्टमा यूट्यूब चैनल का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज आपके लिए मैं फिर से एक जो न्यू बॉक्स है हम बोलते हैं, तो मान कर सकते हो जियोट्रॉन का है। ये जियोट्रॉन का मिनी बॉक्स है बोल सकते हो। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें अभी तो मेरे ख्याल से हार्डवेयर का है या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं। ये देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल डेड आ रहा है। टीवी स्क्रीन में भी लगाया तो कोई रिस्पॉन्डेंट नहीं दे रहा है, और ये कभी कभी ऑन भी हो जा रहा है, ऑन हो जाता है, बाकी इसमें कोई रिमोट काम नहीं करता। तो दोस्तों आज इसी के टॉपिक में वीडियो बनाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या चीज़ है। तो दोस्तों इसको मैंने ओपन पहले से कर लिया था, ओपन कर लिया तो मैंने सोचा कि ये न्यू सेटअप बॉक्स है जिसका अभी तक मार्केट में वीडियो नहीं आया, तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो बना दीजिए। इसको ओपन करोगे, ओपन करोगे कुछ इस प्रकार है इसका जो सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक मीटर का ज़रूरत पड़ेगा। आप मीटर इस साइड रख लो ऐसे, ठीक है, एक मीटर रख लेना। और एक ग्राउंड करके सबसे पहले आपको इसका जो मेन आता है 12 वोल्ट, उसको आपको ट्राई करना है कि 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि ओके है नहीं, ठीक है। तो 12 वोल्ट का यहाँ पर ये कॉइल है, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। ये जो कॉइल है, ये कॉइल 12 वोल्ट की ही कॉइल है, यहाँ पर देख सकते हो 12 वोल्ट आ रहा है, ये देख सकते हो। ये कॉइल यहाँ से जो कॉइल से सेक्शन में लगा हुआ है, और ये वाला जो कॉइल है दोस्तों 5 वोल्ट का, यहाँ पर आप 5 वोल्ट चेक करके देखो कि 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ बहुत कम वोल्ट जनरेट हो रहा है। यहाँ पर जो 5 वोल्ट का, यहाँ पर देख सकते हो कि वोल्ट जनरेट ही नहीं हो पा रहा है। इस कारण से जो ये पावर सप्लाई है, ये सेक्शन ए ऑन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो एक छोटा सा देख सकते हो, ये आईसी लगा है, यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा करीब ला कर दिखाता हूँ। कैमरा मेरा जूम कर ब्लर कर रहा है, तो कैमरा लाइट ऑन है इस कारण से ब्लर कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखो ब्लर ही ब्लर एक आईसी नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये छोटा सा, ये आईसी ख़राब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, इस कारण से ऐसे प्रॉब्लम होता है। और दोस्तों सेटअप बॉक्स रिलेटेड वीडियो देखने के दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और जिस किसी भाई को डेढ़ सेटअप बॉक्स रिपेयरिंग करवाना है वो हमारे एड्रेस में सेंड कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एक टॉपिक है कि इसमें आज हम इसका हार्डवेयर का प्रॉब्लम बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जिस किसी भाई को मेरे पास बताता हूँ, जो भी सेटअप बॉक्स आता है, जो भी सेटअप बॉक्स आता है उसमें वीडियो का 100% ऑन करके दिखाता हूँ। तो इसमें अभी नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इसमें वीडियो का वर्किंग सॉफ्टवेयर मैं दूंगा। अभी फिलहाल इसका हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का जब प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसका सॉफ्टवेयर से फिर से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो इसका वोल्ट मिसिंग है। तो यहाँ हमारे पास एक मॉड्यूल आया है जो 5 वोल्ट का, बहुत बेहतरीन मॉड्यूल बोल सकते हो। वो मॉड्यूल हम इसमें अटैच करके आपको दिखाते हैं इसको ऑन करके। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इसमें हमने मॉड्यूल अटैच कर दिया है, जो देख सकते हो 5 वोल्ट का, इसका रिमूव और दे चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो ये बहुत सारे इसमें सिस्टम दिए है, आपके पास जैसे मॉड्यूल है तो आप समझ जाओगे। इसमें इन आउट सब दिया हुआ है, और आउट से यहाँ से मैं इसको 5 वोल्ट यहाँ से कॉइल में दे दिया हूँ, ये 12 वोल्ट दे दिया हूँ, ये ग्राउंड दे दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। ये पूरा कंप्लीट सेक्शन हो चुका है। और दोस्तों आपको डायरेक्टली ऑन करना है तो इसका वीडियो भी बना है, दो केबल से, ऐसे दो केबल की मदद से आप डायरेक्टली ऑन भी कर सकते हो इसको। कैसे ऑन करना है इसका वीडियो भी मेरा यूट्यूब में मिल जाएगा चैनल में। तो यहाँ से मैं इसको पावर देता हूँ, ये देख सकते हो पावर, यहाँ से मैं पावर दिया, आप देख सकते हो आप ही के सामने ही ऑन लिखा आ चुका है दोस्तों इसके मदद से। और यहाँ पर आपको मैं एक मीटर भी दिखा देता हूँ, यहाँ मीटर रखता हूँ और ये ग्राउंड देता हूँ, यहाँ पर देखते हो 5 वोल्ट, ये देख सकते हो बहुत अच्छा 5 वोल्ट जनरेट कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो चैनल भी आ गए। तो दोस्तों मैं हमेशा हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इसमें सॉफ्ट RF 232 से रिकवर कैसे करेंगे, कि ये जैसे इसका अभी बूट खराब हो गया है, मतलब इसमें कोई ऑनलाइन अपडेट हो गया। तो अभी फिलहाल इतना, आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।